वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया को अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ इस स्टेडियम में खेलना है। मैं इस वक्त पुणे के एमसीए स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत होगी। मुकाबला अगर कहें तो इंडियन टीम के लिए केक वॉक जैसा होगा, लेकिन इंडियन टीम इस मुकाबले में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतने वाली। आज भारतीय टीम ने मुकाबले से दो दिन पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस मैदान पर इंडियन टीम शाम के 5:30 बजे पहुंच गई और उसके बाद शुरू हुआ इंडियन टीम का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन यानी कि वैकल्पिक अभ्यास सत्र। इस अभ्यास सत्र में हर खिलाड़ी को आने की ज़रूरत वैसे तो नहीं होती, लेकिन आज इंडियन टीम का पूरा स्क्वाड इस मैदान पर मौजूद था। बात रोहित शर्मा की करें, विराट कोहली की करें, जसप्रीत बुमराह की करें, मोहम्मद सिराज की करें, तो हर खिलाड़ी यहां पर मौजूद था। हार्दिक पांड्या भी थे, इसके अलावा मोहम्मद शमी भी थे। तो यानी कि अगर देखें तो पूरी की पूरी टीम जो है वो यहां पर मौजूद थी। इंडियन टीम ने सबसे पहले जो है इस मैदान के पिच का मुआयना किया कप्तान रोहित शर्मा ने और कोच राहुल द्रविड़ ने। यहाँ पर आज भारतीय खिलाड़ी अपने स्किल्स को शार्प करते हुए नजर आए। कुछ खिलाड़ियों ने रेंज हिटिंग की तो कुछ खिलाड़ियों ने डिफेंसिव शॉट्स भी लगाए। क्या कुछ हुआ, विस्तृत जानकारी आपको हमारी इस रिपोर्ट में। शुरुआत हुई कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के पिच देखने से। दोनों ही कप्तान और कोच जो है वो पहले मैदान पर पहुंचे और उसके बाद जो 22 गज की पट्टी है, जो सतह है जहां पर ये मुकाबला खेला जाना है, उसको ध्यान से देखा और आपस में दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। बात करें पुणे के इस पिच की तो पुणे की ये पिच आम तौर पर स्पिनिंग ट्रैक कहलाती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 मुकाबलों में यहाँ पर रनों का अंबार लगा है। 300 से ज़्यादा रन आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला होना है वहाँ पर भी रनों का अंबार खड़ा होगा। 300 से ज़्यादा स्कोर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज़रूर बनाएगी। नेट्स का रुख सबसे पहले भारतीय टीम के सबसे बड़े और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने किया। विराट कोहली ने सबसे पहले थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो है वो सामना किया। इन तीनों के खिलाफ विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहे थे और बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद विराट ने नेट जो है वो चेंज किया, दूसरे नेट्स में गए और थ्रो डाउन का सामना किया और वहाँ पर भी छक्कों की बरसात की। इसके बाद विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज का, जसप्रीत बुमराह का सामना किया और उनकी गेंदों को भी बाउंड्री पार बड़ी आसानी से पहुंचाया। एक तरफ जहां विराट कोहली नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा और शुभमन गिल भी दूसरे नेट्स में पहुंचे। शुभमन गिल ने सबसे पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का सामना किया तो वही रोहित शर्मा ने थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट का सामना किया। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर यानी कि रविचंद्रन अश्विन ने भी काफ़ी देर तक शुभमन गिल के खिलाफ गेंदबाजी की और शुभमन गिल ने इस दौरान कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए। इसके अलावा अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने अलग अलग तरह के गेंदबाजों का सामना किया। उन्होंने भी जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी का सामना करते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या जो हैं वो भी शुभमन गिल की तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखे और उसके बाद उनके खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की। 20 मिनट की प्रैक्टिस के बाद रोहित और शुभमन गिल ने नेट्स जो हैं वो बदले और इसके बाद अपनी बैटिंग एबिलिटीज़ को फाइन ट्यून करते हुए नजर आए। लेकिन आज के प्रैक्टिस सेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट रही विराट कोहली के बड़े बड़े बाउंड्री। विराट कोहली ने आज पावर हिटिंग की तरफ फोकस किया। उन्होंने बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने की अपनी कला जो है उसको बार बार दिखाया।
काफी सारे रॉकेट जैसे शॉट्स विराट कोहली ने मैदान के चारों तरफ लगाए। हार्दिक पंड्या जब एक नेट्स में थ्रोडाउन के खिलाफ और स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो भी अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी को दिखाते हुए नजर आए और बड़े बड़े शॉट्स लगाए। इसके अलावा अगर भारतीय टीम के आज के ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पर KL राहुल 45 मिनट तक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच रजनीकांत के साथ जो है वो काम करते हुए दिखे। काफ़ी देर तक उन्होंने जो है वो स्ट्रेचिंग की, उसके बाद काफ़ी देर तक रिहैब प्रोसेस जो होता है उसमें वो हिस्सा लिए। इसके बाद KL राहुल ने भी नट्स का सामना किया, जहां पर उन्होंने पहले मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की गेंदों का सामना किया और उन्होंने भी कुछ गेंदें जो हैं पहले वो सेट हुए और उसके बाद बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए नज़र आए। प्रैक्टिस सेशन के अंत के दौरान शुभमन गिल और ईशान किशन काफ़ी देर तक बातचीत करते हुए नज़र आए और साथ ही ईशान किशन शुभमन गिल को काफ़ी सारे टिप्स भी दे रहे थे। उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो हाफ पिच बॉलिंग भी की और उस दौरान शुभमन गिल कुछ शॉट्स अप्लाई कर रहे थे जिसमें ईशान किशन शुभमन गिल की मदद कर रहे थे। अगर इस मुकाबले की बात करें तो भारत और बांग्लादेश का मुकाबला वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का चौथा मुकाबला है। इंडियन टीम जीत के रथ पर सवार है। 3 मुकाबले इंडियन टीम लगातार जीत चुकी है और अब भारतीय टीम की निगाहें पुणे में जीत का चौका जड़ने पर है। खेल की सभी खबरों के लिए स्पोर्ट्स नाउ को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।